हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम आपके पास लेके आए हैं दोनों बाइकों की कंपैरिजन वीडियो। ये रही हमारी ड्यूक 250 और ये रही हमारी डोमिनेट 250। दोनों में बजाज के इंजन आते हैं, दोनों के इंजन ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारी ड्यूक है ये 30 BHP की है और ये डोमिनेट है ये 27 BHP की है। इसकी जो लुक आप देख पा रहे होगे काफ़ी अग्रेसिव लुक है और वो आप देख पा रहे होगे थोड़ी सी बल्की है। अभी जब आप चलाओगे इसको ये स्पोर्ट्स बाइक का फील दे दिलवाएगी आपको और ये कि चलाने में थोड़ी सी बल्की लगेगी। लाइट देख पा रही होगी, ये लाइट और ये पूरी लुक आपको सेम डिटो 390 भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें ये जो मीटर आप देख पा रही होगी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये पहचानी जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई एक झलक में इसको देखे तो बिल्कुल नहीं लगती कि ये 250 है 390 है। अभी हम इन दोनों बाइक्स को चला के देखते हैं कि कौन सी बाइक कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। दोनों में सेम इंजन है, हल्का सा इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा डिट्यून है। सो अभी चलें, सबसे पहले मैं डोमिनेट पकड़ूंगा, फिर आते टाइम पकड़ूंगा हमारी ड्यूक 250। अभी मैं आ चुका हूँ हमारे डोमिनेट 250 पे, अभी इसको थोड़ा सा वार्म अप करवा लेते हैं दोनों बाइक्स को। अभी 3 हॉर्न पे 1 2 3। ओहो भाई यार, अभी मैंने बताया था कि इसका BHP 27 और उसकी 30 है, जिसकी वजह से उसका स्टार्टिंग पिकअप इतना ज़्यादा है। अगर हम टॉप एंड पे जाएंगे तो डेफिनेटली डोमिनेट हमारी आगे होगी। अभी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये इसको पकड़ पाएगी भाई। मेरे आगे गाड़ी आ चुकी थी जिसकी वजह से मैंने ब्रेक लगानी पड़ी। इस टाइम बाइक देख सकते हो कितने टॉप एंड पे है, ऑलमोस्ट रीच। ओ भाई, अभी स्लो कर लेते हैं। हाँ, लिटरली मैन मुझे लगा था कि ये आगे निकल जाएगी जस्ट बिकॉज इसका वेट ज्यादा और उसकी BHP के कुछ पॉइंट्स कम है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि ये पीछे रह चुकी है। अभी हम टर्न लेते हैं, पकड़ते हैं अपनी ड्यूक 250 को। सो अभी जैसा कि आपने देखा हमारी ड्यूक 250 आगे निकल चुकी थी हमारे डोमिनेट से। अभी मैंने राइडर स्विच करते हैं। मेरे से कोई मिस्टेक होगी और उसमें मे बी इसकी BHP ज़्यादा हो, लेकिन देखने में लग रहा है कि इसकी पावर उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है। सो अभी चलते हैं इसके ऊपर, साइड स्टैंड ऊपर ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। 1 2 3 डेफिनेटली भाई, कुछ तो बात है इसमें। अभी ये फोर्थ गियर और वो मेरे अभी इस टाइम नेक्ड बाइक पे विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा आता है कि मैं क्या ही बताऊं। ड्यूक तो कहीं पे, डोमिनेट तो कहीं पे दिख नहीं रही है अभी। ओ भाई साहब, अभी मैंने स्लो करी थी उनके लिए, देखते हैं इसको फिर से पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। भाई मानना पड़ेगा, ड्यूक तो ड्यूक है यार। सो टू टाइम मैंने ड्यूक पे डोमिनेट को पीछे छोड़ा है। अभी आप मुझे अभी यहाँ पे उसका वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे रह गया वो। क्या हुआ स्कूटी वाला? तो अभी कैसा लगा आपको कंपैरिजन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हमारी जो ड्यूक 250 है वो दोनों राउंड में आगे थी। अभी 250 में आपको एक और एडवांटेज है कि आप इसके साथ स्टंट वगैरह कर सकते हो और जो भी एक स्पोर्ट्स बाइक में फील चाहिए होती है वो भर भर के दी है इसमें। इसमें आप टूरिंग तो कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी बल्की फील होगी। अगर आपको ये चलानी है तो आपके डोले शोले तो मज़े से बन जाएंगे। सो अभी कैसा लगा आपको कंपैरिजन, आते हैं इस कंपैरिजन को इधर ही ख़त्म। आई होप आपको ये बढ़िया लगा हो। अगर ऐसे नए नए कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।